दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं हिंदी से उर्दू सीखे लेसन का 12वां हिस्सा लेकर हाजिर हुई हूँ। और आज के इस हिस्से में मैं बात करने वाली हूँ हिंदी के हर्फ अंग की। अंग पर आज बात होगी और उसके जो उसकी मात्रा से बनने वाले अल्फाज हैं या जो उसके नुक्ते से बनने वाले अल्फाज हैं, उन पर आज मैं बात करूंगी। सबसे पहले आप ये समझ लीजिए कि जब हम अंग को कहीं भी इस्तेमाल करते हैं, तो अगर मैं आवाज की बात करूं तो उसकी आवाज जैसे उर्दू में अन की आवाज है या जो नेजलाइज्ड करने के लिए आवाज होती है, वो हिंदी में अंग और अंग की मात्रा या अंग के नुक्ते से हो जाती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने कुछ अल्फाज लिखे हुए हैं। अंगूर, तो इसमें नून की इंडिपेंडेंट साउंड नहीं है, यानी नून को नेजलाइज किया गया है। अंगूर, अंगूर, तो हिंदी में उसके लिए हमारे पास एक अक्षर है, एक हर्फ है, वो है अंग। तो अंग, गा में बड़े ऊ की मात्रा और रा अंगूर। उसी तरह से आप लफ्ज अंडा देख लीजिए, अंग और डा में आ की मात्रा, अंडा। अंग्रेजी, अंग गा में रा लगा हुआ है, ऊपर ए की मात्रा है और जा में नीचे डॉट लगा के जा की आवाज बनाई गई है, अंग्रेजी। उसी तरह से अंक, अंक एक हिंदी लफ्ज है जिसका मतलब होता है नंबर, तो अंक और का अंक। अंकुर, अंकुर का मतलब होता है बीज, अंक का में छोटे उ की मात्रा और रा अंकुर। उसके बाद है अंधेरा, यहाँ पर अंग। और एक बात और याद रखिए कि जब हम अंग को एक इंडिपेंडेंट हर्फ की तरह बोलते हैं तो अंग बोलते हैं, लेकिन जब ये किसी किसी भी वर्ड में आता है तो उसमें जो साउंड होता है वो अलिफ और नून का होता है, यानी अन का। अंधेरा, अंग, अंग का मतलब होता है अजा, अलिफ नून गा अंग, और यहाँ पर है अंग गा अंग। उसके बाद है अंकुश, अंकुश का मतलब होता है काबू, कंट्रोल, अंग का में ऊ की मात्रा और शा अंकुश। उसके बाद दोस्तों हम देखते हैं कि अंग की मात्रा से बनने वाले अल्फाज कौन कौन से हैं। एक मिसाल के तौर पर आपके लिए मैंने यहाँ पर चंद अल्फाज लिखे हैं। सबसे पहला जो मैंने लिखा है लफ्ज वो है महंगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने नून लिखा है, मीम है, उसके बाद नून, फिर गा, अलिफ। हिंदी में जब हम लिखेंगे तो मा आ गया मीम की जगह। अब ये हे और नून के लिए हमने हा और उसके ऊपर एक डॉट लगाया हुआ है। ये डॉट है अंग की मात्रा या अंग का नुक्ता, जिसे हम बिंदु कहते हैं हिंदी में। और गा अलिफ के लिए गा में आ की मात्रा। तो ये हो गया बीच का नेजलाइजेशन, महंगा। फिर है मंगल, मा में अंग की मात्रा या बिंदु, गाला मंगल। गंदा, गा में अंग की मात्रा और दा में आ की मात्रा। उसी तरह से तंबाकू, ताप के ऊपर एक बिंदी, तम बा में आ की मात्रा और का में बड़े ऊ की मात्रा। फिर है दबंग, दा बा में अंग की बिंदी या मात्रा, गा दबंग। फिर है धंधा, धा के ऊपर बिंदी, धन धा में आ की मात्रा, दा धंधा। फिर है तंग, ता में अंग की बिंदी और गा तंग। फिर है डंडा, डा में अंग की बिंदी और डा में आ की मात्रा, डंडा। पतंग, पा ता में अंग की बिंदी और गा पतंग। फिर है पंखा, पा के ऊपर बिंदी या मात्रा अंग की और खा में आ की मात्रा, पंखा। उसी तरह से है रंग, रा में ऊपर अंग की बिंदी और गा रंग। फिर है रंगीन, रा में अंग की बिंदी, गा में बड़ी ई की मात्रा और ना रंगीन। फिर है शांत, शा में आ की मात्रा, ऊपर बिंदी, शान और फिर ता, शांत। संदेश, सा के ऊपर अंग की बिंदी, दा में की मात्रा और शा संदेश। संदेश को हम उर्दू में संदेश कहते हैं और उसका मतलब आप जानते हैं, पैगाम। फिर है सांस, सा के ऊपर बिंदी, आ की मात्रा, सा नेजलाइज्ड और सा सांस।
ढंग, ढा के ऊपर बिंदी और गा ढंग। पंजा, पा के ऊपर बिंदी और जामया की मात्रा पंजा। फिर है घंटी, घा में अंक की मात्रा और टा में बड़ी ई की मात्रा घंटी। तो दोस्तों आज का सबक इतना ही था। अगले सबक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।